каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख सकते हो अपनी डोमिनार आ चुकी है यहाँ पे, डोमिनार 250। सो अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं थी और इवन एक भी स्टिकर नहीं था बाइक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करवाने वाले हैं इसके जो सस्पेंशन है USD है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको हम लोग गोल्डन कलर में करवाएंगे, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और पहले मैंने ये सोचा था इसमें कि ये जो सिल्वर एसेंट दिए गए हैं इसको ब्लैक करवा दूँगा तो काफ़ी सही लगती, लेकिन अब थोड़ा सा माइंड मेरा चेंज हुआ है तो उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस और मैंने सोचे हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, जब हो जाएगा तब बताऊंगा या करते हुए दिखा दूंगा। अभी मेरे को भी पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं। अभी कई सारे रैप्स थोड़े से ट्राई करूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा क्या करना है इसमें। और मैंने सोचा था कि फ्लैशर भी लगवा लूँ इसमें, यहीं बिल्कुल बना लेना। हाँ, मैंने सोचा था कि फ्लैशर भी लगवा लूँगा इसमें इंडिकेटर्स में, क्योंकि ये LED वाले इंडिकेटर्स हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी ब्राइट भी होते हैं। तो देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर फ्लैशर भी इंस्टॉल करवा लेंगे इसमें। गंदी तो है काफ़ी, बट रैप होने के बाद फिर वॉश करवा लेंगे, देखेंगे कैसा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं कैसा क्या होता है। पहले सस्पेंशन USD फोक्स करवा लेता हूँ गोल्डन, फिर देखते हैं क्या होता है। तो पानी बरसने लगा भाई, बहुत तेज़ पानी बरस रहा है देखो। और ये खड़ी है 250, तो काम अपना गया है रुक, क्योंकि जब तक पानी बरसता रहेगा और इनके पास कोई शेड तो है नहीं बहुत बड़ा। देखो वहाँ पे भीग भी रही है ये, तो जब तक पानी रुकेगा नहीं जब तक काम चालू होगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ सस्पेंशन पे भी, तो देखते हैं गाड़ी लेके जा रहा लड़का अंदर ले जा रहा है क्या। हाँ शायद अंदर ही लेके जा रहा है, तो वहाँ कर ले तो ज़्यादा ठीक है। चलो ठीक है, आज अंदर लेके जाता है फिर देखते हैं। सो देखो अभी सस्पेंशन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद अब टैंक पे काम भाई ने चालू कर दिया है। तो टैंक हो गया अपना ब्लैक और अब ये पैनल भी होने वाला है ब्लैक। हाँ, तो ऑल ब्लैक मुझे पता है उसका रोड प्रेजेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन सीन क्या है आपने अभी मेरा दिमाग नहीं सोचा है, मतलब देखा देखी का सीन नहीं है मेरा, मुझे चाहिए कुछ अलग जो थोड़ा अलग दिखे। और मेरे को कंपनी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो कंपनी फिटेड आती हैं, तो इस वजह से उस तरह ही कुछ रहेगा, ज़्यादा मतलब चमकीला बटकीला नहीं होगा। अभी दिखाता हूँ आगे का काम, जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी देखना इतना अलग ही दिखेगी गाड़ी है रोड पर। ठीक है, अभी पैनल वैनल हो जाए फिर दिखाता हूँ, पीछे पैनल हो जाए फिर उसका दिखाता हूँ उसमें क्या काम हुआ है। ऑल ब्लैक करवाने के बाद अब मडगार्ड करवा दिया है इस तरह से, देख सकते हो यहाँ पे मडगार्ड हो चुका है अपना, इधर रेड और यहाँ पे रेड रेडी था, लेकिन फिर उसको मैंने ब्लैक करवा दिया है। ब्लैक के बाद जो कंपनी फिटेड स्टिकर था यहाँ रेड था, रेड के ऊपर जो ब्लैक निकलेगा वो काफ़ी सही, मतलब ब्लैक के ऊपर जो रेड निकलेगा स्टिकर वो काफ़ी सही लगेगा। तो देखते हैं अभी एक तरफ का निकाल के कैसा दिखता है और तब पता चल। देख सकते हो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, थोड़ा मुझे तो मतलब टैंक बैठने के बाद उतनी कुछ खास नहीं लग रही है, लेकिन ओवरऑल जब पूरी कंप्लीट हो जाए तब डिसीज़न देना चाहिए। तो अभी ऐसे दिख रही है, दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रही है। एक तो यहाँ थोड़ा अंधेरा भी है इस वजह से प्रॉपर नहीं दिख रही है, जब रोड पे खुले में एक वॉक अराउंड दिखाऊंगा तब समझ आएगा क्या रिस्पांस मिलता है इसका, मिलते हैं जब कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। सो उस दिन आपने देखा था वीडियो में जहाँ से मैंने एंड करी थी वीडियो, उसके बाद फिर यहाँ मतलब ये रैप था और ये स्टिकर रेड से निकला ही हुआ था, लेकिन वो जो सिल्वर एसेंट है वो गायब था और ये वाला जो पूरा है ये भी मतलब ब्लैक ही था पूरा। वीडियो में तो देखी होगी, अगर किसी ने ना देखी हो तो मैं फ़ोटो ऐड कर दूंगा, मतलब ना प्रॉपर दिखी हो तो फिर फ़ोटो ऐड कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद अब अगर मैं बताऊँ, मतलब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसको यहाँ से क्यों निकाल दिया, ब्लैक कलर और वहाँ से क्यों निकाल दिया, तो रैप की क्वालिटी ना काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम तो जब चिपका था तो तुरंत चिपक ही गया था, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो ये रैप यहाँ से मतलब चिपक नहीं रहा है कुछ अलग हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि ये जो रैप है ब्लैक वाला इसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। उसके बाद ये यहाँ पे भी ये मैट ब्लैक देख रहे होगे, तो ये फ्रेम सिल्वर कलर का था,
लेकिन इसको भी हम लोगों ने मैट ब्लैक करवाया। फ्रेम क्या, फ्रेम तो सॉरी ये है, और ये तो पैनल है, तो पैनल ये सिल्वर कलर का था, इसको ब्लैक करवाया तो ये काफ़ी अच्छे से चिपक गया, लेकिन यहाँ पे नहीं चिपक रहा था, तो मे बी इसकी क्वालिटी ही ख़राब है, सो इस वजह से उसको रिमूव कर दिया। तो पैसे तो पूरे ही लग गए थे, अब ऐसा तो है नहीं कि आधे पैसे लगेंगे, पैसे तो पूरे लग गए थे, लेकिन क्या करें, उसको निकालना ही पड़ा। बाकी सस्पेंशन जो थे ये तो गोल्डन कलर के हैं और ये गोल्डन ही रहेंगे, बाकी टैंक वाला एक आध दो रील और फोटोज़ के बाद फिर निकाल देंगे। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख भी नहीं रहा होगा बाइक में, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर है। उसके बाद जब कभी भी रैप होगा तो फिर अच्छी जगह से करवाएंगे। ऐसे ही मार्केट से करवा लिया था, जो भीड़ वाली मार्केट होती ना वहाँ से, लेकिन उसी शॉप से मैंने ये स्टिकर्स भी लगवाए थे 220 में, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी। मतलब फिनिशिंग देखो कितनी सही आई है, एक भी ऊपर नीचे नहीं कटा है ना कोई, मतलब कोई एक नज़र में तो देख के बता ही नहीं सकता, एक नज़र में क्या वैसे भी कोई देख के नहीं बता सकता कि ये मतलब बाहर से लगे हुए स्टिकर्स हैं, कंपनी वाले नहीं हैं, देख सकते हो यहाँ पे। सो मे बी ये तो देख रहे हो पूरी बाइक पे बॉडी ग्राफिक्स लगे हुए हैं। उसके बाद तो ये रैप की क्वालिटी ही ख़राब थी और वो ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था, कई लोगों ने टोका भी था, तो इस वजह से उसको निकाल भी दिया। तो यही था, अब पैसे तो लग ही गए थे 1000 रुपये। उसके बाद अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी गया मतलब कुछ खास तो इसमें था नहीं, बस ये था कि नई गाड़ी पे रैप नहीं करवाना चाहिए, और रैप करवाओ तो हमेशा अच्छी जगह से कराओ जहाँ से रैप की गारंटी वारंटी मिले। सो दैट्स इट, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हमने A1 ग्राफिक्स से करवाया था, जो कि बजरिया थाने के जस्ट सामने है, बजरिया थाने के सामने तो हेलमेट वाली दुकान है, उसका जो मस्जिद है, मस्जिद के जस्ट सामने दुकान है A1 ग्राफिक्स, और मस्जिद के बगल वाली गली में भी A1 ग्राफिक्स ही है, सो वहाँ से करवाया था। अब वही चीज़ है, डोमिनार जो ब्लू वाली थी 400 सिद्धार्थ वाली, वो रेड करवाई थी, लेकिन उसका रैप तो काफ़ी सही था और अभी भी एकदम प्रॉपर बैठा हुआ है, लेकिन ये रैप ही गड़बड़ था कुछ, इस वजह से निकल गया होगा। तो शॉप वाले की भी कुछ खास गलती रही, उस टाइम वो चिपका रहा, बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये गड़बड़ है, और जहाँ से करवाया था वो 40-45 किलोमीटर दूर है, तो बार बार जाके आ भी तो नहीं सकते, उतने में नया रैप हो जाएगा, जब जाएंगे तब बताएंगे।